चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। पूरे देश में सोने का होगा एक ही दाम। वन नेशन वन रेट पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर अब बुलियन एक्सचेंज ही सोने की कीमतों को तय करेगा और देश भर के ज्वेलर्स को उसी कीमत पर सोना बेचना होगा जो एक्सचेंज तय करेगा। महंगा हुआ ब्याज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने अपने MCLR में की 5 से 10 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी। नई ब्याज दरें आज से लागू। भारत का पीछा करने में हांफ गया चीन। दूसरे तिमाही में औंधे मुंह गिरी विकास दर। जनता के पास भी नहीं है पैसा। ड्रैगन के दूसरे तिमाही में GDP ग्रोथ 4.7% रही जबकि भारत ने दूसरी तिमाही में 7.6% की विकास दर हासिल की। केजरीवाल ने जेल में खाना कर दिया बंद। दिल्ली CM के वजन कम होने के दावे पर BJP ने लगाया आरोप। वहीं जेल प्रशासन बोला तिहाड़ में केवल 2 किलो घटा केजरीवाल का वजन, उन्होंने खुद ही खाना पीना कर दिया कम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाना हुआ महंगा। दोनों कंपनियों ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। अब कस्टमर को हर ऑर्डर पर 5 की जगह 6 रुपया देना होगा चार्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 जुलाई को जुटेंगे देश भर से किसान। 20 जुलाई तक सरकार ने बात नहीं की तो बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। खम्भों पर गणेश और ब्रह्मा की आकृति है हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति। ASI ने भोजशाला की 2015 की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में की पेश। हिंदू पक्ष का दावा इमारत परमार कालीन 1700 से ज्यादा प्रमाण मौजूद। वहीं मुस्लिम पक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट से ही होगा फैसला। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर धामी सरकार ने जारी किए फरमान। शराब और मीट की दुकानें रहेंगी बंद। होटलों पर सही रेट लिस्ट चस्पाने का निर्देश वरना होगी कार्यवाही। BCCI सचिव जैसा के आगे जगह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का हुआ ऐलान। दुबई में होंगे भारत के मैच। सड़कों पर पानी का सैलाब एक्टिव मोड में आया गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश के बाद UP असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को लगाया फोन। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। राजस्थान के BJP विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया बड़ा बयान। साथ ही कहा एक देश एक कानून जल्दी लागू हो। विधानसभा में भी ऐसे विधायक जिनकी 3 पत्नियां, ऐसा नहीं चलेगा। सोने की कीमत में आई तेजी। चांदी में गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 49 चढ़कर 72,713 पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 362 फिसलकर 91,465 प्रति किलो बिक रही। देश में पूरी तरह सुरक्षित अल्पसंख्यक। लद्दाख दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। साथ ही कहा कुछ लोग स्वार्थी राजनीति से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। विश्व में भारत में ही अल्पसंख्यक सबसे अधिक सुरक्षित। BJP को दिसंबर तक मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। रेस में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, BS संतोष, ओम प्रकाश माथुर समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल। जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंची। ये पिछले 16 महीनों के ऊपरी स्तर पर। वहीं खाने पीने की चीजों से लेकर रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई में भी हुई भारी वृद्धि। हिंदुस्तान में रहना या हुसैन कहना। UP के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगाए विवादित नारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया। मणिपुर पूरी तरह से बिखर चुका परंतु पता नहीं PM मोदी कब अपनी नींद से जागेंगे। मणिपुर में CRF जवान की शहादत के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का फूटा गुस्सा। फेसबुक पर किडनी बेच रहे दलाल बिना डोनर। दिल्ली जयपुर कोलकाता हैदराबाद के बड़े अस्पतालों में ट्रांसप्लांट का दावा बिना NOC 38 से 45 लाख तक मांग रहे। UP बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। वहीं महाराष्ट्र में बारिश से ट्रैक पर मलबे के कारण कई ट्रेन लेट। मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार बंगाल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जल्द बदलेगा फौजों के अप्रेजल का तरीका। सेना ने अप्रेजल के इस नए सिस्टम के लिए सभी कमांड से अपनी राय देने के लिए कहा। मौजूदा वक्त में सेना में काम का आकलन 3-टायर हायरार्कियल मॉडल के आधार पर होता है। लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी कम हो गई BJP की सीटें। 86 पर सिमटी पार्टी। राज्यसभा के 4 मनोनीत सांसद हुए रिटायर। 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा न करने पर 5,000 तक का लगेगा जुर्माना। समय पर रिटर्न भरने के हैं कई फायदे। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। ED ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। ये शादी का अगर कुछ भी भूल हो गई तो माफ कर देना। नीता अंबानी ने मेहमान नवाजी से जीता दिल। अनंत राधिका की शादी और रिसेप्शन के बाद मीडिया को किया संबोधित। केंद्र सरकार संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में आयोजित करेगी कार्यक्रम। नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल का किया जाएगा शुभारंभ। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। 10 से 15 घुसपैठियों ने BSF पर बोला हमला तो जवानों ने जवाबी फायरिंग कर खदेड़ा। श्रद्धालु के लिए गुड न्यूज। 20 अगस्त को चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेनें। शिरडी साई बाबा के साथ ही करें 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। IRCT ने श्रद्धालुओं के लिए लॉन्च किया किफायती पैकेज।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, कहा तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ। यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद कम हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की टेंशन, 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी देगी बड़ी जिम्मेदारी। पाकिस्तान एक बार फिर की अपनी नापाक हरकत, एलओसी के पास लॉन्च पैड किया एक्टिव, जिससे भारत में आतंकी वारदातों को बढ़ाना मकसद है। मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की शादी के कार्ड पर मथुरा में छिड़ा विवाद, पुजारी बोले मंदिर में निमंत्रण पत्र रखकर फोटो खिंचवाई फिर लेकर चले गए। दिल्ली वालों के लिए अगले दो दिन बहुत भारी, यूपी बिहार से लेकर उत्तराखंड तक जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भोशाला पर 200 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, एएसआई ने बताया 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक मिले। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में प्रशासन की सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया, फिलिस्तीन का झंडा, इस दौरान जमकर हुई नारेबाजी। अब नहीं गिरेगी हिमाचल की सुक्कू सरकार, बीजेपी को लगाना पड़ेगा एड़ी चोटी तक का जोर, उपचुनाव में 2 सीटों पर जीतने बदला गणित। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर भड़के केदारनाथ धाम के पुरोहित, मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। शेयर बाजार में बीते दिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाए, कारोबार के दौरान 24,633 का स्तर छुआ, हालांकि बाद में 24,586 के स्तर को बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 145 अंक की बढ़त हो रही है, 80,664 के स्तर पर हुआ बंद। 34 वर्ष के बाद फिर खुला कश्मीर का अनंतनाग में स्थित उमा देवी भगवती मंदिर, राजस्थान में लाई गई मूर्ति को गर्भगृह में किया गया स्थापित। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने का किया फैसला। 19 जुलाई को फिर से सीबीटी मोड में होगा सीयूईटी यूजी एग्जाम, एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन, परीक्षा को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। ट्रेन की टक्कर से टाइगर की मौत, सीहोर के बुधनी में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पास में ही 2 शावक घायल मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन खारिज की, ग्रुप पर लगे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की जांच, एसआईटी सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया था। चीनी समर्थक केपी शर्मा ओली चौथी बार बने नेपाल के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी नई सरकार के गठन की बधाई, साथ ही बोले आपसे मिलकर काम करने के लिए हैं तत्पर। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद रूस ने बाइडेन सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा हम नहीं जानते हमले के पीछे किसका हाथ है, लेकिन ये जरूर है कि मौजूदा सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया जिसके चलते ट्रंप पर हमला हुआ। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ईडी का दावा वे शराब नीति केस में संलग्न, दिल्ली सीएम बोले अपमानित करने के लिए किया अरेस्ट। एमपीपीएससी में 690 पदों पर और छत्तीसगढ़ में होमगार्ड के 2215 पदों पर निकली बंपर भर्ती, वहीं यूको बैंक के 544 पदों पर आवेदन करने की आज लास्ट डेट। उड़ीसा के लोगों से किया वादा, पीएम मोदी ने पूरा किया, प्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार खोले जाने के बाद बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार जीता कोपा अमेरिकी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब, मार्टिनेज ने दागा निर्णायक गोल। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 16 गेंडों समेत 200 जानवरों की हुई मौत। डिग्री से क्या होगा खोलो पंचर की दुकान, कॉलेज में बीजेपी एमएलए पन्नालाल साके का बेतुका बयान। विदेशी ताकतों ने पहुंचाया बीजेपी को नुकसान, लोकसभा चुनाव के परिणाम पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही कांग्रेस को बताया झूठ बोलने की मशीन। अपने मतभेद वॉलेट बॉक्स से सुलझाते हैं गोलियों से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन, बोले हिंसा के दौर में शांति की जरूरत। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का विदाई, आरक्षण आदिवासी मुद्दे की काट के लिए किरोड़ी लाल मीना को मिल सकती है कमान, नए अध्यक्ष की अगुवाई में ही होंगे उपचुनाव। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज, डिप्टी सीएम अजीत गुट के नेता और सिंधे सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार से की मुलाकात। गांव के कायाकल्प में जुटे युवा शक्ति, आरएसएस ने झारखंड के रांची में की युवाओं से अपील, 24 घंटे ग्रामीण इलाकों में बिताने को कहा। मैनपुर में भोले बाबा के जन्मदिन पर बिछुआ कस्बा स्थित आश्रम पर दर्शन के लिए आए हजारों अनुयायी, पुलिस ने रोका तो बैरियर पर ही टेका मत्था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने से किया इनकार। बिहार में जमीन विवाद में पूर्व मंत्री छेदीराम समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, 57 कारतूस के साथ 2 राइफल और स्कॉर्पियो शामिल। मुख्तार को जेल में दिया गया जहर, सुप्रीम कोर्ट से बोले उमर अंसारी, अदालत ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस। कनाडा के रोजर सेंटर में मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में पहुंचे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। पूजा खेड़कर के बाद पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह विवाद में, जिम डांस का वीडियो आया सामने तो विकलांग कोटे से सिलेक्शन पर उठे सवाल। चलिए अब जानते जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें।
सड़कों पर पानी का सैलाब, एक्टिव मोड में आया गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश के बाद यूपी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को लगाया फोन। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा, केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जी हां, यूपी, असम और गुजरात में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एक्टिव हो गया है। गृह मंत्रालय अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से स्थिति को लेकर फोन पर बात की। इस दौरान अमित शाह ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। दरअसल यूपी, असम, गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश में नदियों का उफान पर रहने के कारण 750 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। यूपी के राहत विभाग ने हाल ही में कहा था कि बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, इसे देखते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं समय बाढ़ के कारण 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। राज्य के कछार, चिरांग, दराव, दुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, गोलाघाट, जोराहाट, कारमगंज, मोरीगांव, नलवाड़ी और शिवसागर जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब पूरे देश में सोने का होगा एक ही दाम। वन नेशन वन रेट पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बुलियन एक्सचेंज ही सोने की कीमतों को तय करेगा और देश भर के ज्वेलर्स को उसी कीमत पर सोना बेचना होगा जो एक्सचेंज तय करेगी। जी हां, देश के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमत भी अलग अलग होती है। सोने और चांदी के रेट पर हर राज्य के अलग अलग टैक्स के अलावा भी कई तरह की चीजें जोड़ी जाती है। इसके चलते राज्यों में इन कीमती धातुओं के दाम भी अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि अब पूरे देश में बड़ा बदलाव आने वाला है। जल्द पूरे देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू होने जा रही है। इसके बाद आप देश में कहीं भी सोना खरीदें आपको रेट एक ही मिलेगा। ऐसा होने पर सोने के कारोबारी और ज्वेलर्स को भी आसानी हो जाएगी। इसे लागू करने के लिए देश भर के तमाम जो बड़े ज्वेलर्स भी सहमत हो गए हैं। सोने की कीमतों में कंट्रोल करने के लिए लाई जा रही वन नेशन वन रेट पॉलिसी को जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिलिंग ने भी समर्थन दिया है। इसका मकसद पूरे देश में सोने की एक समान कीमतें करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2024 में होने वाली बैठक में इस पर ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पूरे देश में सोने की कीमतों को बराबर करना चाहती है। यह पॉलिसी लागू होने के बाद आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे मेट्रो शहर में या किसी छोटे शहर में सोना खरीदें आपको कीमत एक ही चुकानी होगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार नेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाएगी जो सब जगह सोने के बराबर कीमतें तय करेगा। साथ ही ज्वेलर्स को इसी कीमत पर सोना बेचना होगा। यह पॉलिसी लागू होने से बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सोने की कीमतों में डिफरेंस होने की वजह से इसकी कीमतों में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा अभी जो ज्वेलर्स सोना बेचने पर कई बार मनमानी कीमतें वसूलते हैं उस पर भी लगाम लगेगी। दरअसल पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 73,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। महंगा हुआ ब्याज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने अपने MCLR में की 5 से 10 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी। नई ब्याज दर लागू। जी हां, सस्ते कर्ज के इंतजार में बैठे लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। सरकारी बैंक ने विभिन्न कर्ज को महंगा करने का ऐलान किया है। बढ़ी हुई ब्याज दर लागू हो गई। ऐसे में SBI ने ग्राहकों को अब लोन पर ज्यादा ब्याज भरना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने अपने MCLR में बदलाव किया है। बदलाव के तहत MCLR में 5 से 10 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की गई। इसका मतलब हुआ कि MCLR में 0.05% से 0.10% तक की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के अनुसार यह बदलाव 15 जुलाई से लागू हो गई। हालांकि राहत की बात है कि MCLR बढ़ने से SBI के होम लोन ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की ब्याज दरें एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स पर बेस्ड होती है। SBI ने फिलहाल EBRL में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से जून में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर लगातार चौथे महीने बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई। यह पिछले 16 महीने का उच्चतम स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई 3.85% रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि से प्राप्त खाने पीने की चीजों की थोक महंगाई दर अगस्त 2023 के बाद पहली बार 10% से ऊपर चले गए। लगातार तीसरे महीने बढ़ते हुए जून में ये 10.87% रही। इस श्रेणी में प्याज के दाम में जून 2023 के मुकाबले 93.3% की भारी वृद्धि हुई। आलू के दाम 66.37% और सब्जियों के 38.7% बढ़े। साथ ही फलों के दाम भी 10.14% बढ़े और दालों की कीमतों में भी 21.64% का इजाफा हुआ। आंकड़ों के अनुसार खाद्य महंगाई दर मई के मुकाबले 7.40% से बढ़कर 8.68% हो गई। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 7.20% से बढ़कर 8.80% हो गई। वहीं इस दौरान फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 1.35% से घटकर 1.3% रही।